आराम से। तो गुरुकुल डे वन हमारा चल रहा है, सेकंड टर्म के अपन क्वेश्चंस करेंगे मिसलिनियस टॉपिक्स के। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, एपी इज इक्वल टू कितना आपके पास 12। अब यार सर आप बताना क्या है, तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बोला, मैंने बोला हाँ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। पहला तो दिल कहता है कि कह दूं कि एपी और एक्यू आपस में इक्वल है, मतलब एपी शुड बी इक्वल टू एक्यू शुड बी इक्वल टू 12 बिकॉज टेंजेंट है। सुनो भाई, पूरा एपी और पूरा जो एक्यू है यहाँ तक, खासकर अपन बात करें अपन क्यू को वहां पे ले लेते हैं और पी को भी आप समझ के चलिएगा, अगर अपन लेके चले तो पी भी यहीं पे है। तो सर ठीक है, अगर आपकी बात करें तो आप ये बोलना चाहते हो कि एपी और एक्यू दोनों 12-12 है। मैं बोला हाँ है। अब ऐसे ही दिल है कि मानता नहीं और गुजारिश कर बैठता है। अब सर कैसी गुजारिश, कि क्या मैं बोल सकता हूँ बीपी इज इक्वल टू बीआर, बीपी इज इक्वल टू बीआर इज इक्वल टू एक्स, ये भी आपस में क्या है, टेंजेंट ही है सर्कल के, हाँ कि ना। तो तीसरी बात आपको क्या लग रही है, मैं क्या बोलूंगा, सी आर इज इक्वल टू वॉट, सी क्यू इज इक्वल टू कितना वाई। तो सर अगर अपन बात करें सी क्यू इज इक्वल टू सी आर इज इक्वल टू कितना वाई, मतलब ये भी वाई और वो भी क्या है वाई। सर मतलब अच्छा ही है, मैंने बोला हाँ मुझे तो अच्छा लगा, सी आर और सी क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास वाई, हाँ कि ना। अब पता नहीं क्यों दिल है कह रहा है कि कहीं ना कहीं अगर कोई मुझसे पूछे कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या है, तो सर देखो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है शायद ए बी, बोल रहा हूँ क्या, ए बी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस ए सी, क्या बोलते हो, क्या यही पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है। हाँ सर कहीं ना कहीं अगर हम आपसे बात करें तो इसको पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कहा जा सकता है, ए बी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस कितना ए सी। अच्छा एक छोटी सी बात बताओ घूर घूर के, ए बी प्लस एक्स क्या है, ए बी प्लस एक्स इज ए पी, हाँ कि ना, और ए सी प्लस वाई क्या है, ए क्यू, जो कि दोनों 12 है। तो सर एपी और एक्यू दोनों मिला के क्या है 12। तो इन शॉर्ट अगर कोई मुझसे पूछे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, तो इट वुड बी 12 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू कितना 24, 12 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू कितना 24। क्या सर उम्दा लेवल का क्वेश्चन था, मुझे तो लगा हाँ, क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, ये एग्जाम आईडी का क्वेश्चन है। तो सर अगर हम आपसे बात करें और आराम से बात करें तो हम किस तरफ जा रहे हैं, ना यार बातें तो बहुत सारी हैं, अगर अपन अच्छे से बात करें और आराम से। सर ये भी अच्छा ही है, मैंने बोला हाँ। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं, पता नहीं कैसा दिल के करीब है और इसका फोटो डाल दिया क्या है। तो गुरुकुल डे टू का अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लें और सिस्टमेटिक लिया जाए तो हम किस तरफ जाएंगे। सर ठीक है ना, अगर आप चाहते ही हो तो आपको बोला है ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, अगर मैं बात करूं ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल विथ हाइपोटेन्यूस 13, मतलब ए सी इज हाइपोटेन्यूस इज 13 अगर हम बात करूं, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब इन इट। ओए होए होए, अब तुम ए सी तो 13 की बात है, मैंने बोला हाँ ठीक है बात तो सही है कि ए सी तो 13 है, ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे थोड़ी सी और बात करूं तो देखो और भी बातें गिवन है वैसे तो, अभी अपन धीरे धीरे करेंगे। अगर मैं इसको नाम दे दूं P, Q और R, तो दिल है कि मानता नहीं
और वो इस बात का है कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। पहली बात कैसे कहने की थ्योरी की मैं लिखता हूँ एपी इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एक्स, क्या ये दोनों टेंजेंट है क्या? हाँ कि ना? एथों और एथों, हाँ मतलब सर बात तो आप सही बोल रहे हो। फिर दूसरी भी थ्योरी लिख दूं सीपी इज इक्वल टू कितना, सी क्यू इज इक्वल टू कितना वाई, क्या बोलते हो? सीपी इज इक्वल टू सी क्यू इज इक्वल टू कितना वाई, सर मतलब ये भी सही है? मैंने बोला हाँ मतलब सही है। और पता नहीं क्यों आपको पता होना चाहिए टेंजेंट टू रेडियस कितना होता है, टेंजेंट टू रेडियस कितना होता है। तो क्या कोई मेरी बात समझना चाहे, मैं बोलना चाहता हूँ सर ये तो चलो ठीक है इक्वल इक्वल है सर, क्यों? क्योंकि थ्योरम क्या बोलती है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज। तो सर ठीक है अच्छी बात है, मैंने बोला हाँ मुझे भी अच्छी लग रही है। फिर मैं बोलना चाहता हूँ भाई एंगल आर ते एंगल क्यू दोनों के दोनों क्या है 90, क्योंकि टेंजेंट टू रेडियस इज ऑलवेज व्हाट 90। सर के ये भी थ्योरम होती है, मैंने बोला हाँ थ्योरम तो बहुत सारी होती है, टेंजेंट टू रेडियस कितना होता है हमेशा 90 डिग्री। सर ये भी अच्छा है, मैंने बोला हाँ मुझे भी अच्छा लग रहा है। पता नहीं क्यों दिल है कि मानता नहीं एंगल बी भी कितना है 90, इनडायरेक्टली ये आर और मेरे ख्याल से तीन एंगल 90 है, चौथा एंगल भी क्या होगा 90 होगा। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ओ इज इक्वल टू 90, हाँ कि ना? एंगल भी तो 90 था ना सर। उसके अलावा एक और बात है, ऐसा लग रहा है कि ओ आर बी क्यू स्क्वायर ही हो गया, क्यों स्क्वायर हो गया? पास वाले साइड्स भी इक्वल है, हाँ कि ना? पास पास वाली साइड्स भी क्या है इक्वल। तो अगर अपन बात करें अभी मैं आपको इस क्वेश्चन में पूछते क्या क्या चीजें पूछ सकते हैं, तो सर ओ बी क्यू आर इज अ स्क्वायर, ओ बी क्यू आर इज अ स्क्वायर, स्क्वायर हो गया। तो सर ये भी आर तो ये भी आर भाई स्क्वायर हो गया ना, साइड साइड इक्वली हो जाएंगी ना सर, हाँ कि ना? तो ये भी आर थे ये भी आर, सर ये भी ठीक है अगर अपन बात करें तो। एक बार चेक करो चले क्या दोस्तों, अब अगर अपन अच्छे से बात करें और आराम से बात करें तो हम किस तरफ जाएंगे? देखो यार दोस्तों जाने की बात तो दिल है कि मानता नहीं, इस क्वेश्चन में अगर आपको दो चीजें गिवन है, बहुत अच्छी कह सकते हैं, या तो आपको रेडियस गिवन है और आप साइड पूछ लेंगे, या तो आपको एपी कुछ भी गिवन दे देंगे और आप चीजें पूछ लेंगे। लेट्स से अगर मैं आपको बोलूं इसमें आपको रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है कितना, लेट्स से 3, कितना गिवन है और आपसे पूछा है फाइंड ए बी एंड ए सी, फाइंड व्हाट ए बी एंड ए सी। अभी सर देखो जहां आपको रेडियस मिल गया 3, रेडियस कितना मिल गया आपके पास, तो सर यहाँ पे 3 यहाँ पे भी कितना, हाँ कि नहीं? तो आपसे क्या पूछ सकते हैं ए बी और ए सी पूछ सकते हैं, वो निकालना इतना टफ इसलिए नहीं, या फिर आपको एपी दे देंगे, क्या दे देंगे एपी। खुद सोचो ना कि क्या अपन पाइथागोरस लगा सकते हैं क्या, ये अगर 3 है और ये अगर पार्ट क्या है y, तो 3 प्लस y का स्क्वायर और x प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 13 का स्क्वायर, हाँ कि ना? एक तो वो पार्ट सर वैसा वर्षा क्या, तो क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है, मैंने बोला हाँ सर क्वेश्चन उल्टा आएगा तो कैसे आएगा आप बताओ। बहुत बार अगर इसी का उल्टा क्वेश्चन बोलू तो सर अभी कैसे करते हैं, इसके अंदर फर्स्ट पार्ट में अपन कर देते ऐसा करके कि भाई ये साइड पूरी कितनी हो गई x प्लस 3 का होल स्क्वायर और यहाँ से कितना y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, ये हैपनेस कितना है 13 का स्क्वायर। तो यहाँ से x और y की कुछ ना कुछ इक्वेशन बन जाती, चाहते तो अपन x और y की इक्वेशन यहाँ से भी निकाल सकते, ये भी 90 है कुछ, ठीक है ना? अब सेकेंड पार्ट में क्या बोल सकते हैं, अगर आपको सेकेंड पार्ट इसका बता रहा हूं, अगर आपको एपी गिवन होता, लेट्स से एपी गिवन होता आपको 4, कितना गिवन होता, या अगर अपन कुछ भी बोला उसको एपी गिवन होता आपको, ठीक है एपी गिवन कितना होता
फोर, तो ये भी कितना होता, हाँ कि ना सर? अगर अब एपी फोर होता तो बचा हुआ ये कितना हो जाता, बचा हुआ ये कितना होता, नाइन, तो ये भी कितना हो जाता, नाइन, गॉट इट? तो सर अल्टीमेटली फिर ये आर आर रहते, हाँ कि ना? तो फिर आपके पास जो क्वेश्चन बनता, क्या निकालने के लिए बनता, फाइंड रेडियस, क्या निकालने के बनता सर? ऐसे में आप क्या करते, आप लिखते फोर प्लस आर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या, नाइन प्लस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, थर्टीन का स्क्वायर, हाँ कि ना? सर कहीं आप वैरायटी करा रहे थे, मैंने बोला हाँ मैं तो वैरायटी करा रहा था। सर क्वेश्चन का एक बार रीकैप दो ना, क्वेश्चन आप कराना क्या चाहते हो, या क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्या था? क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव था आपको इस फिगर से वाकिफ कराना कि कभी भी अगर आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया जाए और उस राइट एंगल ट्राइंगल में कोई भी सर्कल इस प्रकार से तीनों साइड्स को टच करके बना हुआ है, तो बहुत सारी बातें उससे समझ में आती हैं। पहली बात तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो यहाँ से रेडियस निकलेगा वो रेडियस टू सेंटर कितना रहेगा, 90। फिर यहाँ से जो रेडियस निकलेगा रेडियस टू सेंटर कितना रहेगा सर? क्या ये ऑटोमेटिकली 90 है? हमेशा ध्यान रखिएगा जो भी ये बने, मतलब इसको कुछ भी नाम दे दो, यहाँ पे इसको P दे दो, इसको Q दे दो, इसको R दो, कुछ भी दे दो, तो आपको समझना पड़ेगा जो यहाँ पे बनेगा वो O B Q R हमेशा क्या बनेगा, एक क्या बनेगा, क्योंकि देखो ना टेंजेंट टू रेडियस 90 होती है और बाकी दोनों साइड्स क्या है, R R इक्वल है, तो उत्तर बची हुई चीजें क्या हो जाएंगी, R और R। अब इसके अलावा तुम कुछ भी दे सकते हो इस क्वेश्चन में, आपको पूरा हाइपोटेन्यूज दे दिया या पूरा आपको वो दे दी, क्या दे दी, AB और AC दे दी, हाँ कि ना? लेट्स से अगर मैं तेको बोलूं इसकी ए बी गिवन है आपको, कुछ भी दे सकते हैं, ये ए बी गिवन है आपको 10 और ए सी गिवन है आपको, ए बी गिवन है 10 और बी सी अगर अपन बात करें, बी सी गिवन है 8, तो मुझे बताओ अगर पूरी ए बी कितनी है 10 और पूरी बी सी कितनी है 8, तो यार ऐसा क्या होगा, 10 माइनस आर, बताओ याला हिस्सा क्या हो जाए, 8 माइनस आर। अब तुमसे पूछ ले आर निकालो, हम बोलेंगे देखो भाई सब बातें छोड़ो, हमको तो एक बात पता है कि एसी का स्क्वायर जो होता है, जो एसी का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर, हाँ कि ना? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, मैं सिर्फ वैरायटी समझाना चाह रहा हूँ कि एसी का स्क्वायर देन क्या हो जाएगा, बताओ ए बी कितना होगा, 10 का स्क्वायर प्लस, मतलब सर एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू अप्रोक्स कितना, 160। तो सर एसी अगर रूट में निकाले तो रूट 164, मतलब अप्रोक्स 12.8 आएगी, कितनी आएगी सर आपको कैसे पता? अरे 169 का रूट कितना होता है, 13, तो रूट ऑफ 169 कितना होता है, 13, तो रूट ऑफ 164 कितना होगा, 12.8 के आसपास। अब एक और इस दिल कहलाता है कि अगर ये 10 माइनस आ रहे तो ये भी क्या है, ये 8 माइनस आर है तो ये भी क्या है, तो सर इसका मतलब आप बोलना चाहते हो 10 माइनस आर प्लस 8 माइनस आर इज इक्वल टू 12.8, मैंने बोला हाँ सर, उसी क्वेश्चन को आपने नई वैरायटी में ले लिया, मैंने बोला हाँ लेते रहते हैं, वो तो क्वेश्चन की बात थी, तो 10 माइनस आर प्लस कितना, 8 माइनस आर मतलब 18 माइनस व्हाट, 2r इज इक्वल टू कितना, 12.8, सही है क्या? सो सर 2r को उधर ले लो, इसको उधर ले लो, तो 18 माइनस 12.8 इज इक्वल टू 2r, 7.2 is equal to 2R, और R is equal to कितना आ जाएगा, 3.6। सर ठीक है, अच्छा ही क्वेश्चन लगा, मैंने बोला मुझे भी अच्छा लगा, अगर आप देखना चाहें तो ये क्वेश्चन अच्छा उमदा लेवल का लगा, ये इनको करा जा सकता है, ठीक है ना, बढ़िया समझ में आया। सर आप और क्या चाहते हैं, मैंने बोला और भी चीजें लेते हैं अगर अपन लें और अच्छे से लें, तो सर अगर आपसे पूछा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में इस प्रकार से, सर किस प्रकार से अगर लेके चले, सो हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स आर divisible by 5 or 4,
देखो थ्री डिजिट नंबर जो पहला शुरू होता है, फर्स्ट थ्री डिजिट नंबर होता है 100। तो सर ये जो 100 है ये एक तरफ 5 से भी डिविजिबल है और उस तरफ डिविजिबल है 4 से। लेकिन सर यहां पे अगर 100 की सी से लोगे तो 100 105 10 1110 115 120, और इस तरफ चलाओगे तो क्या चलेगा 100 104 108 1012 1112, ऐसे चलते चलते चलते। देखो लास्ट डिजिट नंबर होता है 999, बट 999 तो 5 के टेबल में नहीं आता ना, लेकिन 995 तो आता है, क्या बोलते हो? हाँ कि ना सर? लास्ट थ्री नंबर अगर 999 लेकिन ये 4 के टेबल में तो नहीं आता ना, तो 4 के टेबल में लास्ट नंबर कौन सा था? 996। वो आपको डिवाइड करके मालूम पड़ जाएगा 999 को किससे, 4 से। सर इट्स ओके, मतलब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं अभी। लेकिन एक और समस्या है दोस्तों। सर क्या समस्या है? कि सर आपने बोला 5 और 4, तो हम सारे 5 वाले ऐड कर लेंगे, सारे 4 वाले ऐड कर लेंगे, हाँ कि ना? लेकिन 120 तो इधर भी ऐड हो गया, इधर भी ऐड हो गया। ओहो, ऐसे ही 140 का भी हाल होगा। 140 इधर भी आएगा और इधर भी आएगा। तो सर जितने नंबर, आप समझिएगा पूरे का क्वेश्चन है कि कितने नंबर डिविजिबल है, तो जितने नंबर 5 से डिविजिबल है वो निकालने पड़ेंगे, जितने नंबर 4 से डिविजिबल है वो निकालने पड़ेंगे। लेट्स से अगर 5 से डिविजिबल नंबर निकालने हैं तो आप क्या करोगे? ए ऑफ एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इनटू डी। तो ए ऑफ एन तुम्हारे पास कितना है? 995 इज इक्वल टू 100 प्लस एन माइनस 1 इनटू कितना? 5। सर मतलब अच्छा ही है? मैंने बोला हाँ अच्छा ही है। तो 995 माइनस 100 इज इक्वल टू व्हाट? 885 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इनटू कितना? 5। हाँ मतलब जो तुम बोलो यार, तुमसे ऊपर है क्या कुछ? 895 कर लेते हैं, बच्चे बोल रहे। तो सर ठीक है, दिस इज 895। सर व्हाट नेक्स्ट? तो निकालो ना एन कितना आया। तो सर 895 डिवाइड बाय कितना? 5, दैट इज एन माइनस 1। 895 डिवाइड बाय 5 इज एन माइनस 1। तो ये सर कितना हो गया? 179 इज इक्वल टू एन माइनस 1। एन इज इक्वल टू कितना? 180। एन इज इक्वल टू कितना? सर यहां से निकालें तो ए ऑफ एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इनटू डी। तो यहाँ पे आ गया 996 इज इक्वल टू 100 प्लस एन माइनस 1 इनटू 4। तो सर अगर इसको इधर माइनस करें तो कितना आ जाएगा? 896 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इनटू 4। तो 2 2 4 इज इक्वल टू एन माइनस 1, 4 से डिवाइड कर लिया। तो सर एन इज इक्वल टू कितना? 225। मैंने बोला हाँ बिल्कुल सही, ये आंसर है। नहीं सर, ये सारी वो नंबर हैं दोस्तों, समझिएगा मैं आपको समझाना चाहता हूँ जैसे और आराम से। ये सारे वो नंबर हैं जो 4 से डिविजिबल है। तो सर 4 से डिविजिबल कितने नंबर है? 180। सर 5 से डिविजिबल कितने नंबर है? 225। लेकिन अब आपको तो नई सीरीज निकालनी पड़ेगी जो कि 20 से डिविजिबल होगी। 4 इंटू 5 कितना होता है? 20। अरे 4 इंटू 5 कितना होता है? क्योंकि सर 20 से डिविजिबल वाले दोनों के टेबल में आ रहे हैं, वो 4 में भी काउंट हो जा रहे हैं और 5 में भी। क्या तुमने ऊपर देखा नहीं क्या कि 120 इधर भी आया, 120 उधर भी आया? ऐसे ही इसमें 140 आएगा, इसमें भी क्या आएगा? 140। इसमें भी 160 आएगा, इसमें भी क्या आएगा? 160। तो सर ये जो 20 से डिविजिबल वाले नंबर है, एक बार काउंट करें कि दो बार काउंट? तो क्या 20 वालों को हटाना पड़ेगा? हाँ यार 20 वालों को हटाना पड़ेगा। अगर अपन बात करें अच्छे से और आराम से और सिस्टमेटिक तरीके, चलें अगर अपन बात करें तो 100 120 140 अप टू लास्ट नंबर क्या होगा? 1000 तो 4 डिजिट नंबर हो जाएगा ना। 1000 क्या हो जाएगा? 4 डिजिट नंबर। तो इसमें लास्ट नंबर क्या होगा आपके पास? 980। तो कहीं ना कहीं a ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d। तो 980 इज इक्वल टू 100 प्लस n माइनस 1 इनटू 20। तो 880 इज इक्वल टू n माइनस 1 इनटू 20। तो
कहीं ना कहीं थोड़ा सा बात को समझोगे तो ये आ रहा है एन माइनस वन इज इक्वल टू 44 या एन इज इक्वल टू कितना। तो सर टोटल नंबर कितने डिविजिबल होंगे? सर 4 से डिविजिबल वाले ऐड करने पड़ेंगे, 5 से डिविजिबल वाले ऐड करने पड़ेंगे, लेकिन लेकिन 20 से डिविजिबल वाले क्या करने पड़ेंगे? माइनस। सर क्यों? क्योंकि वो दो बार आ गए, समझो ना। अगर ये 4 का गोला है और ये 5 का गोला है तो इसमें जो 20 वाला गोला है वो एक बार काउंट हो रहा है कि दो बार काउंट हो रहा है? तो 20 वाले क्या करने पड़ेंगे? माइनस। इसका फाइनल आंसर होगा 36। सर ये सारे ही क्वेश्चन आरडी और एग्जाम आइडिया के लिए। सर क्या जो अपने 16 सालों का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है उसका निष्कर्ष आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ गुरुकुल डे के थ्रू, तो एक बात ध्यान रखना कि ये वो क्वेश्चन है जो एग्जामिनर को पसंद है और ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन वो है जो कहीं ना कहीं बच्चा समझे तो बहुत ही प्यारे लेवल के क्वेश्चन है और करना चाहिए, मतलब हर बच्चे को इस क्वेश्चन को करना चाहिए। तो ठीक है, अगर अपन लेके चले तो ये तीनों ही क्वेश्चन उमदा लेवल के हैं, तो ये तीन क्वेश्चन करोगे उसके बाद आपकी साइंस की बैच शुरू होगी। तो